हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। लास्ट ब्लॉग में जैसे मैंने आपको अपडेट शेयर किया था कि नैना की तबीयत ठीक नहीं है, तो कल तो हम लोगों ने जाके डॉक्टर को दिखाया था हॉस्पिटल में जाके। फिर नैना की तबीयत थोड़ी जैसे अच्छी हुई थी, इम्प्रूव हुई थी थोड़ी, लेकिन आज फिर संडे को नैना की तबीयत अचानक दोपहर को ख़राब हो गया था। उसको सांस लेने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी, उसने लंच भी नहीं किया। फिर हम लोगों ने हमारे जो एक फैमिली डॉक्टर है उनके पास इमरजेंसी में फ़ोन किया, क्योंकि संडे को देखते नहीं है। हमारे यहाँ पे जो भी डॉक्टर है संडे को चेकअप नहीं करते, तो उनका कोई कंसल्टिंग कुछ भी होता नहीं संडे को, लेकिन वो हमारे एक फैमिली डॉक्टर की तरह ही है। तो उनको हम लोगों ने फ़ोन किया और इसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लेके आइए। फिर नैना को हम लोगों ने लेके गए और फिर चेकअप भी किया, तो उन्होंने कुछ मेडिसिन भी दिया है जो हम लोग लेकर आए, और साथ में कुछ टेस्ट भी है। चेस्ट का एक्सरे है, फिर आपका ECG है, EEG है, तीन सबको दिया है। ब्लड टेस्ट भी है, तीन सबको टेस्ट हम लोगों को कराना है, तो कल हम लोग कराएंगे और उसके बाद फिर रिपोर्ट लेके जाएंगे। और जो कल हम लोगों ने CT स्कैन कराया था उसका भी रिपोर्ट लाना है, तो मंडे को जाके फिर वो भी लेके आऊँगा। अभी थोड़ा बेटर फील कर रही है, तो अभी आके उसने दो मेडिसिन लिया है। डॉक्टर ने कहा था कि घर पे जाके दो मेडिसिन खाने से पहले उसको देना, तो उसने अभी दो मेडिसिन लिया है और बाकी सब आफ्टर फूड है। तो थोड़ा बहुत कुछ खा के फिर वो मेडिसिन लेगी बाकी जो है। सो नैना के लिए आप लोग प्रे करिएगा कि फटाफट से वो ठीक हो जाए और बहुत जल्दी अच्छी हो जाए। सो प्लीज़ प्रे करिएगा। सो सभी रिपोर्ट कलेक्ट करने के बाद फिर डॉक्टर को जाएंगे, देखेंगे कि वो क्या कहते हैं फर्दर, बाकी जो रिपोर्ट है सब ठीक है कि नहीं है, और इसके ऊपर ही फर्दर जो ट्रीटमेंट होगा। अभी तो नैना उदासी है। तो चलिए, आज का अपडेट में हम लोगों ने शेयर कर दिया है, बाकी जो अपडेट फर्दर होगा आप लोगों से शेयर करेंगे। तो आज का ब्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर ब्लॉग।